हेलो स्टूडेंट दिस इज अनदर सेशन ऑफ पोलिनोम एंड इन दिस सेशन वे विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पोलिनोम ए फैक्टर थियोरम सो लेट्स स्टार्ट द क्लास यहाँ पर जैसा लिखा भी है चैप्टर पोलिनोम सेशन सॉल्यूशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फैक्टर थियोरम सो लेट स्टार्ट द क्लास इस स्लाइड में जैसे लिखा हुआ है लेट सॉल्व द क्वेश्चन एंड वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज को करना है और यह जो एक्सरसाइज है आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज है ये जो बुक है आर एस अग्रवाल का बुक है और एक्सरसाइज टूडी और आपको यही करना है आज फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चन को इसका फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है यूजिंग फैक्टर थ्योरम यूजिंग फैक्टर थ्योरम सो दैट इजिंग फैक्टर थ्योरम में एक्स माइनस टू इज़ अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यू माइनस एट और इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन एक से नाइन तक हैं चलिए एक एक करके सीखते हैं कैसे करना है और इस वीडियो से आपको यह हेल्प मिलेगा कि कोई भी क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है फर्स्ट क्वेश्चन का स्लाइड हमारे पास आ गया है और इस क्वेश्चन को समझते हैं कि कैसे किया गया है फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा था यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टर थ्योरम को यूज करते हुए सो दैट एस माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यू माइनस एट आपको फैक्टर थ्योरम को यूज करते हुए बताना है कि एक्स माइनस टू जो है एक्स क्यू माइनस एट को एक्स क्यू माइनस एट का क्या है एक फैक्टर है तो एक बार पहले फैक्टर थ्योरम को रिमाइंड कर लेते हैं हम लोग फैक्टर थ्योरम क्या होता है फैक्टर थ्योरम होता है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड दे रहे अगर एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से हम डिवाइड दे रहे हैं अगर उसका रिमाइंडर जीरो आता है अगर उसका रिमाइंडर जीरो आता है डिवाइड देने पर तो वो जो एक दूसरे का क्या होगा फैक्टर होगा सपोज दैट हमने फैक्टर थ्योरम के बारे में लास्ट क्लास में हमने चर्चा भी किया था कि एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर में अगर सपोज दैट एक्स प्लस वन से डिवाइड हम देते हैं तो एक्स प्लस वन से तो एक्स प्लस, प्लस वन होल स्क्वायर में डिवाइड देंगे तो हमारा रिमाइंडर इसको डिवाइड दे देने पर जीरो आएगा तब हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स प्लस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर मेरी बात समझ आ रही है ये फैक्टर थ्योरम और था हमारे लास्ट सेशन में हमने डिस्कस भी किया था अगर एक पोलिनोमल को दूसरे पोलिनोम से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर अगर जीरो होता है तो उस उस पोलिनोमल का क्या होता है फैक्टर होता है चलिए समझते हैं क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं आपको शो करना है कि एक्स माइनस टू इज़ अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यू माइनस एट तो आप सिंपल से समझ लीजिए कि अगर हम एक्स क्यू माइनस एट वाले पोलिनोमल का रिमाइंडर निकालेंगे अगर जीरो आया तब हम बोल सकते हैं कि एक्स माइनस टू एक फैक्टर है अगर जीरो नहीं आया तो हम बोलेंगे कि फैक्टर नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग हमने यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया -8, एक, एक polynomial है एक्स क्यू माइनस एट एक है पॉलिनोमल को हम लोग बता चुके हैं कि एफ एक्स और जी एक्स कुछ भी से डिनोट करते हैं और एक्स क्यू माइनस एट को एक्स माइनस टू से डिवाइड देना है तो एक्स माइनस टू से डिवाइड देना है जैसा कि हम लोग बताया था कि जिससे डिवाइड देना है उसको उसका जीरोज निकालते हैं मतलब कि एक्स माइनस टू का जीरोज निकालेंगे तो एक्स तो माइनस टू बराबर जीरो तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा टू एक्स बराबर क्या आ जाएंगे ये टू आ जाएंगे एक्स बराबर ये टू आ जाएंगे और अब हम ये देखेंगे कि एक्स बराबर टू पे क्या एक्स क्यू माइनस एट का जो पॉलिनोमियल है जीरो होता है या नहीं होता अगर होता है तो एक्स माइनस टू एक पॉलिनोमियल हो एक्स माइनस टू जो है एक्स क्यू माइनस एट का फैक्टर होगा अदरवाइज नहीं होगा तो एक्स बराबर टू आए तो हम यहाँ एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस एट हम लोग मान चुके थे तो एफ एक्स के जगह हम लोग पुट किए एफ टू टू की जगह मतलब एक्स की जगह टू पुट किए तो एक्स क्यू तो यहाँ भी टू का क्यूब हो गया माइनस एट टू का क्यूब क्या होता है एट होते हैं टू ka ki, का क्यों एट होता है और एट में सेट किया तो जीरो आ गया मतलब इसका रिमाइंडर निकाले तो हमारा क्या आ गया जीरो तो हम बोल सकते हैं कि एक्स क्यू माइनस एट का एक जो है फैक्टर है एक्स माइनस टू मतलब कि एक्स माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यू माइनस एट सिम्पल सा ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका बस यही होता है कि अगर किसी को किसी का फैक्टर शो करना है तो उसका रिमाइंडर निकालिए रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है जो फैक्टर जिससे भागा देते हैं उसका क्या निकाल लेते हैं हम लोग जीरोज निकाल देते हैं और उस जीरोज़ जीरो 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 पे पॉलिनोमल का वैल्यू निकाल देते हैं जैसे एक्स माइनस तो टू का जीरोज निकालें तो एक्स एक्स बराबर टू आए और ये एक्स बराबर टू को इसमें पुट किए तो एक्स बराबर टू पुट करने के बाद पॉलिनोमल का वैल्यू क्या आ गया जीरो आ गया तब हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स माइनस टू एक फैक्टर है किसका कि एक्स क्यू माइनस एट का तो ये थे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट स्लाइड है भी है और भी क्वेश्चन है हमारे पास ये रहे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए इसको समझते हैं यहाँ भी बोल रहा है यूजिंग फैक्टर थियोरम सो दैट एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस रूट टू तो इसका आपको फैक्टर क्या करना शो so करना है कि ये फैक्टर है कि नहीं है तो आपको क्या करेंगे इसका एक जीरोज निकालेंगे तो एक्स प्लस टू का जीरोज निकालिएगा तो एक्स प्लस टू का अगर आप जीरोज निकालेंगे जरा ध्यान से समझिएगा x प्लस टू का जीरोज जी निकालेंगे तो x प्लस टू बराबर जीरो तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस रूट टू क्या आ जाएंगे प्लस रूट टू राइट साइड जाएंगे तो ये माइनस रूट टू और इस माइनस रूट टू को कहां पुट करेंगे x के जगह इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे अगर जीरो आया तो फैक्टर है अदरवाइज नहीं फैक्टर है मेरी बात समझ में आ रही है तो चलिए हम लोग पुट करते हैं इस पॉलिनोमियल में हम लोग को क्या पुट करना है एक्स की जगह माइनस रूट टू तो यहां पे पुट भी किया हमने माइनस रूट टू तो टू रूट एक्स स्क्वायर था टू रूट टू एक्स स्क्वायर था तो टू रूट टू इंटू एक्स के जगह माइनस रूट टू का स्क्वायर हो गया ये प्लस फाइव फाइव इंटू एक्स था तो एक्स के जगह फाइव इंटू माइनस रूट टू हो गया ये प्लस रूट टू है तो इस प्रकार हमारा आ गया जो फैक्टर आ गया रूट तो, टू का स्क्वायर से क्या हो जाएंगे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे मतलब माइनस रूट टू का अगर आप स्क्वायर निकालेंगे माइनस का स्क्वायर ये ऑलरेडी प्लस हो जाएगा रूट टू का स्क्वायर टू तो यहाँ पे टू लिखे हैं तो आपका ये फैक्टर इस लाइन को समझिएगा टू रूट टू इंटू टू टू रूट टू इंटू टू माइनस फाइव रूट टू ये प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस तो प्लस रूट टू मेरी बात समझ में आ रही है चलिए इसको इरेज करते हैं पहले बेटर समझ में। अब नेक्स्ट लाइन में क्या किया टू टू जा फोर इस लाइन को क्या किया है मल्टीप्लाई किया है और फोर रूट टू माइनस फाइव रूट टू प्लस रूट टू फोर रूट टू प्लस में रूट टू फाइव रूट टू भी प्लस में मतलब फोर रूट टू और प्लस रूट टू हमारा टो टोटल कितना हो जाएगा फाइव रूट टू और इसके ऐसे ट्रैक्ट में क्या एक और फाइव रूट टू है तो फाइव रूट टू में से फाइव रूट गया जीरो तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स प्लस रूट टू इज अ फैक्टर ऑफ इस इस पॉलिनोमियल मतलब दिस पॉलिनोमियल मेरी बात समझ में आ रही है तो इसी प्रकार हम लोग चेक करते हैं किसी भी फैक्टर किसी का कौन सा कोई फैक्टर है या नहीं है अगर इस बात को चेक करना है तो सिंपल से उसका रिमाइंडर निकालेंगे अगर रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो फैक्टर है अदरवाइज नहीं है रिमाइंडर कैसे निकालते हैं जिस फैक्टर से भागा देना होता है उस फैक्टर का जीरोज निकाल के उस जीरोज को उसी पोलिनोमियल में पुट करते हैं और तो हमारा रिमाइंडर प्राप्त होता है ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं नेक्स्ट स्लाइड वी हैव एक और है फाइंड द वैल्यू ऑफ के अब इस, इस प्रकार क्वेश्चन में बच्चों हमेशा फंसते हैं तो ध्यान से समझेंगे उनसे बहुत ज़्यादा एरर आते हैं इन सब क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को समझेंगे हमारा बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फाइन द वैल्यू ऑफ के एक्स माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ अब इस बार क्या बोल रहा है के का मान निकालिए यदि विच एक्स माइनस एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ टू एक्स क्यू माइनस टू एक्स क्यू प्लस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन मतलब बोल रहा है एक्स माइनस वन जो है इस पॉलीनोमियल का एक फैक्टर है तो अगर फैक्टर है तो इसका अर्थ क्या है कि इसका रिमाइंडर अगर लोग हम लोग निकालेंगे तो जीरोज दिया गया अगर फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर भी क्या होगा जीरो होगा क्यों क्योंकि फैक्टर रिमाइंडर रिमाइंडर थ्यूरम नहीं फैक्टर थ्योरम हम बताता है कि अगर कोई फैक्टर है किसी पॉलिनोमियल का तो उसका रिमाइंडर हमेशा क्या होता है जीरो होता है तो लोग मान लेंगे कि एफ एक्स बराबर एफ एक्स बराबर टू एक्स क्यू प्लस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स बराबर एक, एक पॉलिनोमियल है तो ये बताया गया कि एक्स माइनस वन एक फैक्टर है तो एक्स माइनस वन फैक्टर है तो इसका जीरो जो एक्स माइनस वन बराबर जीरो करके एक्स बराबर क्या आ जाएगा हमारा वन और अगर वन को अगर इस पॉलिनोमल में पुट करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए जीरो तो एफ वन बराबर हमने पुट किया है एक्स माइनस वन के निकाल कर एक्स बराबर वन पुट किया यहाँ पर तो एफ वन बराबर ये वाला आ गया सेक्शन टू एक्स क्यूब था तो एक जगह वन क्यूब हो गया एक्स स्क्वायर था तो एक्स के जगह वन एक्स स्क्वायर हो गया के रह गया और एफ वन जो निकल रहा है क्या निकल रहा है फैक्टर सॉरी निकल एफ वन तो का मान हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि फैक्टर होने के कारण एफ वन का मान जीरो तो रिमाइंडर भी क्या होंगे जीरो होंगे तो इस प्रकार एक इक्वेशन हमें प्राप्त होता है कि एफ वन बराबर यहाँ पे क्या हम बोल सकते हैं जीरो यहाँ पे हम निकाल भी है एफ वन बराबर आगे ट्वेल्व प्लस के तो एफ वन एक फैक्टर है तो हमने यहाँ पे बोला भी एफ वन बराबर जीरो होगा मतलब एफ वन बराबर जीरो मतलब ट्वेल्व प्लस के बराबर जीरो यहाँ से K का मान आता है माइनस ट्वेल्व सिंपल सा एक बार और रिमाइंड हम करवा देते हैं आप सबको सिंपल क्वेश्चन आते हैं ये सब क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं एक्स वन एक फैक्टर है तो एक्स वन माइनस वन बराबर जीरो होंगे तो एक्स बराबर वन एक्स बराबर वन पे ये फैक्टर क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए रिमाइंडर इसका क्या होना चाहिए जीरो हम लोगों ने रिमाइंडर निकाला तो ट्वेल्व प्लस के यहाँ पर आया और ट्वेल्व प्लस के आया बुक के अनुसार क्या होना चाहिए जीरो मतलब ट्वेल्व प्लस के हमारे अनुसार और बुक के अनुसार जीरो तो आ गया के बराबर माइनस ट्वेल्व क्यों जीरो हो रहे हैं ये बात तो सभी को पता है क्योंकि एक्स माइनस वन एक क्या है इसका फैक्टर है तो इस प्रकार हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को यूज करते हैं सॉरी फैक्टर थ्योरम को यूज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वही है फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर बीच एक्स माइनस फोर इज फैक्टर ऑफ टू एक्स थ्री एक्स एक्वायर प्लस एटीन एक्स प्लस ए तो ए का मान निकालना है सेम करेंगे हम लोग ए का मान निकालना है और एक्स माइनस वन यहाँ पे फैक्टर दे दिया है तो एक्स माइनस फोर अगर फैक्टर है तो इसके जो जीरोज होंगे इस पॉलिमिल को जीरो करेंगे तो बराबर एक्स माइनस फोर जीरो निकालेंगे तो एक्स बराबर आपका क्या आ जाएंगे फोर x जाएंगे तो यहाँ पे हमने x निकाला है फिर f वो एफ फोर का मान निकाला है, जो फैक्ट ए, क्या है? तो हमारा रिमाइंडर आ गया एट प्लस ए एफ फोर का वैल्यू पे एट प्लस ए आ गया ये क्या आया रिमाइंडर आया अगर f ए हमारा रिमाइंडर एट प्लस ए है और बुक बोल रहा है एक्स माइनस फोर फैक्टर है तो हमारा रिमाइंडर क्या होना चाहिए जीरो तो मतलब एट प्लस ए बराबर क्या होना चाहिए जीरो तो ए बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एट नीचे वाला लाइन में हम लोग किए हुए हैं नीचे वाला लाइन में हमने किया है कि एफ बराबर जीरो क्यों होंगे बाय द फैक्टर थ्योरम में एक्स माइनस वन विल बी फैक्टर ऑफ एफ एक्स एफ एफ ए बराबर जीरो मतलब कि एक्स एक्स माइनस फोर क्या होंगे फैक्टर होंगे कब जब एफ बराबर क्या होंगे जीरो तो एफ फोर बराबर जीरो हो गया तो एट प्लस ए बराबर भी जीरो तो एट का मान आ गया सॉरी ए का मान आ गया माइनस एट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो सिंपल सा क्वेश्चन था ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं और ये वीडियो बनाए जा रहे हैं आपके हेल्प के लिए कि आप इस वीडियो से सारे क्वेश्चन को ईजीपूर्वक कर सकते हैं थ्योरी तो ऑलरेडी हमने पढ़ा चुका है यहाँ भी वही है एम का वैल्यू निकालना है ये भी क्वेश्चन आप देख लेंगे एक बार फिर से हाँ ये क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे दो टू वेरिएबल का वैल्यू निकालना इस क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं बोल रहा है इफ एक्स माइनस सॉरी इफ एक्स माइनस एक्स क्यू एकस एकस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सिक्स हैज x माइनस टू एज अ फैक्टर बोल रहा है एक्स क्यू प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सिक्स का जो है एक्स माइनस टू जो है एक फैक्टर है क्या है एक्स माइनस टू जो है इसका क्या है फैक्टर है तो मतलब कि एक्स माइनस टू अगर फैक्टर है तो एक्स बराबर टू एक्सर बराबर टू क्योंकि एक्स माइनस टू बराबर जीरो होंगे तो एक्स बराबर टू हमारा निकल के आएंगे तो एक्स बराबर टू पे इस पॉलिन का वैल्यू क्या आना चाहिए जीरो आना चाहिए इस बात को याद रखिएगा आगे पढ़ते हैं एक्स बराबर टू पे इस का वैल्यू जीरो होंगे क्योंकि फैक्टर है आगे भी दिया गया है एंड लिव्स आर रिमाइंडर थ्री इसका रिमाइंडर तीन होता है कब वेन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री मतलब जब एक्स माइनस थ्री से इसको डिवाइड देते हैं तो इसका रिमाइंडर थ्री होता है इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक बार समझिएगा कि अगर हम एस माइनस टू से डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर जीरो होंगे क्योंकि एक्स माइनस टू को फैक्टर बोल दिया है और एक्स माइनस थ्री से डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर थ्री हो गया है ये बुक बो, बोल दिया है तो आपसे पूछ रहा है ए माइनस बी का वैल्यू बताना तो एक्स माइनस ए माइनस बी का वैल्यू निकालना तो सिंपल सा हम लोग दो बार दो इक्वेशन दो वेरिएबल चलेंगे अगर हम एफ टू निकालेंगे एफ टू यहां से निकालेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। अगर इस क्वेश्चन में इस पॉलिनोमियल का एफ टू निकालेंगे एफ टू अगर हम लोग निकालेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए जीरो जाना चाहिए एफ टू निकालेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए जीरो अगर हम एक्स माइनस थ्री का फैक्टर रिमाइंडर थ्री दिया तो रिमाइंडर थ्री दिया तो हम लोग रिमाइंडर भी निकालते एक्स माइनस थ्री पे तो एक्स माइनस थ्री पे हमें रिमाइंडर निकालना था तो सिंपल स रिमाइंडर थ्योरम बोलता है कि जिसका रिमाइंडर निकाला उसको जीरो कर दे एक्स बराबर थ्री तो इस पोलिनिमल का रिमाइंडर वही होगा जो एक्स बराबर थ्री पे पोलीमल का वैल्यू होगा तो एफ एक्स बराबर यहाँ पे लिए हैं फिर एफ थ्री का वैल्यू हम लोग ने यहाँ से निकाला है तो एफ थ्री का वैल्यू निकाले तो जरा ध्यान से समझिएगा एफ थ्री का वैल्यू आया नाइन ए प्लस थ्री बी प्लस थर्टी थ्री यहाँ पर थ्री का इक्वल क्यों कर दिए क्योंकि रिमाइंडर हम लोग निकाल रहे हैं और इसका रिमाइंडर ऑलरेडी दे रखा है तो एफ एफ थ्री का वैल्यू थ्री दे रखा है तो क्यों दे रखा है क्योंकि क्यों यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि एक्स माइनस थ्री से रिमाइंडर देने पे जो इसका रिमाइंडर आ रहा है थ्री आ रहा है तो इसके रिमाइंडर को हम लोग क्या करें नाइन ए प्लस थ्री बी प्लस थर्टी थ्री बराबर थ्री तो नाइन ए प्लस थ्री बी बराबर थ्री इधर थर्टी थ्री इधर प्लस में उधर जाने के बाद माइनस में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो नाइन ए प्लस थ्री बी बराबर माइनस थर्टी ये एक प्रकार का इक्वेशन बढ़ गया थ्री कॉमन ले लिया तो थ्री ए प्लस बी बराबर माइनस टेन ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया और इसी प्रकार हम लोग इसी प्रकार दूसरे बातों से चलेंगे कि एक्स माइनस जिस प्रकार एक्स माइनस थ्री पर रिमाइंडर दे रखा था थ्री उसी प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स माइनस टू अगर फैक्टर है तो एक्स माइनस टू पर रिमाइंडर इसका क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग वही बताया है जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर लिखा भी है बाय द फैक्टर थीरोक्स माइनस ए विल बी फैक्टर ऑफ एफ एक्स देन एफ ए बराबर जीरो मतलब अगर एक्स माइनस टू इसका फैक्टर है तो इसका एफ टू का मान निकालेंगे इस पॉलिनोमियल का तो इसका वैल्यू क्या आना चाहिए जीरो और एफ थ्री का मान निकाल रहे हैं तो थ्री दे रखा है दोनों पॉलिनोमियल को सॉल्व किए तो हमारा एक इक्वेशन तो आ चुका है नेक्स्ट इक्वेशन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं एक इक्वेशन क्या आया है जरा ध्यान से समझेंगे एक इक्वेशन यहाँ पे हम लोग का आ गया थ्री ए प्लस भी नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे हम लोगों ने किया भी है नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग किया भी है क्या एफ टू का, का मान आ गया टू ए प्लस बी बराबर सेवन अच्छा एफ टू का मान क्यों निकाले एक्स माइनस टू फैक्टर दे रखा था एफ तो टू का वैल्यू जीरो के कर दिया। तो इस यहां से दूसरा इक्वेशन आया टू ए प्लस बी बराबर सेवन लास्ट इक्वेशन था हमारा लास्ट इक्वेशन को आपको याद हो तो अभी अभी निकाले लास्ट इक्वेशन क्या था हमारा थ्री ए प्लस बी जरा ध्यान से देखेंगे इस इक्वेशन को थ्री ए प्लस बी बराबर टेन और वहां एक इक्वेशन आया टू ए प्लस बी बराबर माइनस सेवन टू ए प्लस बी बराबर माइनस सेवन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए टू इक्वेशन टू वेरिएबल हमेशा याद रखेंगे दो वेरिएबल को सॉल्व करना तो दो के इक्वेशन की जरूरत होता है तो एक इक्वेशन आ गया थ्री ए प्लस सेवन बराबर जीरो एन टू ए बी बराबर माइनस सेवन तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जरा ध्यान से समझेंगे लास्ट इक्वेशन में हम लोग क्या किए थे जरा ध्यान से समझिएगा लास्ट इक्वेशन आया था थ्री ए प्लस बी बराबर माइनस टेन इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे याद रखेंगे और यहाँ पे यूज़ करेंगे लास्ट इक्वेशन था थ्री ए प्लस बी बराबर माइनस सेवन यही क्या था और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आ गया ए बराबर थ्री और ए का मान फर्स्ट या सेकंड में किसी में रख दीजिएगा तो ये हमारा आ गया ए और बी ए बी का मान क्या आ गया बी माइनस वन तो इस प्रकार हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फैक्टर थ्योरम को यूज़ करते हुए बहुत सारे क्वेश्चन बुक में दिए हैं और आज का होमवर्क आप, आपको फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है नेक्स्ट राइड भी है अगर आपको इतना के बाद भी कोई डॉट रहता है तो आप अपने डॉट को बनाए रखें जब हम लोग क्लास में मिलेंगे तो उस डॉट को सॉल्व करेंगे थैंक यू फॉर ज्वाइन दिस सेशन एंड एंजॉय दिस सेशन एंड बी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन सो ऑल फॉर टुडे